हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक ठाक हूँ। राम राम जी, राधे राधे आप सभी को मेरी तरफ से। और दोस्तों आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है गाइस। आप मेरे सभी बड़े भाई बहनों को मेरा प्रणाम। और दोस्तों चलिए, क्या है ना, सुबह सुबह का टाइम है। चलिए सुबह सुबह तो जल्दी रहती है, वरना लेट हो जाएगा बच्चे के लिए, लंच के लिए। क्या है ना, मेरा जो चेहरा ऐसा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो जिसमें ना आग जलन सी पड़ती है। वैसलीन वगैरह लगा ली, फिर भी पता नहीं क्यों चूल्हे पर रोज खाना बना रहे हैं ना, इसीलिए हो रहा है। बना एक हर दिन गैस होते है तो गैस पे बन जाता है, लेकिन कोई नहीं, अभी गैस भरी नहीं है तो ऊपर ही करना पड़ता है। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, अभी भर जाएगी तो नीचे बना लिया करूँगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं पहले चाय, फिर करती हूँ आप लोगों से बात है। चलो देखिए गाइस, पे आ गई हूँ किचन में। दोस्तों इधर दूध रख दिया मैंने, दूध नहीं चाय रख दी दोस्तों। इधर देखिए, आज मैं दूध मतलब पत्ती में पानी नहीं डाला है, मैंने रखा है डायरेक्ट रखा दूध, तो उसमें ही चाय बना रही हूँ। आज मैंने ज़रा सा भी पानी नहीं मतलब डाला नहीं था, तो बस दूध दूध में ही बना रही हूँ दोस्तों। दूध था आज बहुत सारा दूध रखा, तो मैंने सोचा चलो आज दूध में ही बना लेती हूँ। दूध की चाय बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी। मतलब दूध की तो रोज़ ही बना दे, लेकिन आज मैंने पत्ती चाय उसमें ही खौलाई पानी में, तो आज मैंने डायरेक्ट दूध गर्म किया, उसमें ही डाल दी पत्ती अदरक चाय और चीनी वगैरह, मुझे छान ली दोस्तों। देखिए मेरी चाय बन के रेडी है। तो ये आप सोच रहे हो आज थोड़ी सी चाय बनाई है मैंने, थोड़ी सी बनाई है क्योंकि लड़का था ना उसके लिए मैंने दूध गर्म कर दिया था, वो चाय नहीं पी रहा था सुबह ही सुबह। तो दोस्तों मैं आ गई इधर चाय वगैरह बनाने के बाद में रूम में, तो अभी उसके लिए मुझे लंच बनाना था। तो दोस्तों आज उसका लंच मैं बाद में भेजूंगी, क्या सुबह सुबह नहीं बोल रहा था, मम्मी आप बाद में भेज देना। अभी क्या है ना, मुझे वैसे भी ठंडा हो जाता है वहाँ रखा रखा, तो आज मुझे उसके लिए बनानी थी। बोल रहा था आज मेरे लिए ना तो आज आप रोटी बनाओ ना पराठे, आए तो मेरे लिए पालक की पूड़ी बनाना। तो मैंने सोचा वो तो आल नहीं बनेंगी सुबह ही सुबह, तो मैंने कहा तुम चले जाओ बाद में भेजती हूँ मैं, दीदी दी आएगी तेरी, तो वो क्या है उसकी दीदी देने के लिए बना भेज दूँगी बना के। तो अभी मैं काम कर लूँ पहले अपने सारे, ये झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में ये देखिए झाड़ू वगैरह मैं लगा लूँगी बाहर तक। दोस्तों मेरा रोज का है बैठ के झाड़ू लगाती हूँ खड़ी होके, तो ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में झाड़ू वगैरह लगा के। तो इधर मैंने पालक वगैरह काट लिए दोस्तों, काट रही हूँ। ताई ताई पालक थी, शाम को लाई थी कचवाई से निकटोल के। तो ये देखिए दोस्तों पालक, क्या घर की चीज़ घर की होती है, बहुत ही अच्छी बिना खाद वाली। तो ये देखिए मैं पालक को काट के इसको पानी थोड़ा सा रख दिया मैंने इंडक्शन पे, दी कि थोड़े से पानी में आधा मतलब आधा गिलास पानी था तो उसमें ही डाल दिया मैंने, थोड़ा सा बॉईल करना था ये मुझे। देखिए कितना पानी छोड़ता है पालक को, बहुत ज़्यादा, ये देखिए कितना पानी है। तो इसी पानी को मैं मतलब पालक को निकाल के निचोड़ के उसमें डालूँगी और उस पानी से मैं आटे को लगा लूँगी दोस्तों। तो इधर देखिए मैं काट रही हूँ मिर्ची, जी मिर्ची मैंने काटी थी, क्या है ना अलग से थोड़ा पकौड़ियों का घोल रखा था शाम का, तो इसकी बुआ आई थी तो उसके लिए मैंने बनाई थी। तो शाम को मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कि अच्छा नहीं लगता किसी के सामने भी लेके बैठ जाओ कैमरा, तो वो भी क्या सोचती, बहुत दिनों बाद आई थी आज। तो दोस्तों क्या है अभी, क्या अभी अभी जो भी आएंगी दोबारा से, जब मैं कोशिश करूँगी आपके सामने लाने की उनको, क्या कोई कोई को शर्म आती है कैमरे के सामने आने का, तो ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो इधर मैं देखिए चॉपर से चॉप कर लूँगी जी प्याज और हरी मिर्ची वगैरह उसमें पूड़ी के लिए। तो क्या ये अच्छे से चॉपर में चॉप हो जाएंगे तो क्या खड़े खड़े नहीं रहेंगे। तो इधर देखिए मेरा पालक वगैरह सब काट लिया मैंने, इधर जी थोड़ा सा घोल रखा है उसका, तो उसके लिए मैंने कच्चा पालक रख दिया थोड़ा सा पकौड़ियों के लिए। तो ये देखिए आटा लगा लूँगी मैं इधर, इसमें डाल दिया मैंने ये सौंफ, इसमें सौंफ डाली थी, जीरा डाल दिया दोस्तों इधर, और इसमें नमक भी डाल लिया मैंने पालक की पूड़ियों के लिए दोस्तों। और इधर देखिए हम तो इसी तरह से डाल बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते दोस्तों मुझे बताना। और थोड़ा सा डाला मैंने इसमें बेसन, देखिए जी बेसन डाल लिया कि इससे अच्छा टेस्ट आएगा। फिर धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ी सी हल्दी ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। और ये देखिए
मैंने डाल दिया इसमें जी चॉपर किए हुए सारे मसाले, मतलब हरी मिर्ची थी और प्याज लहसुन सब कुछ था जी। मैंने डाली पालक निचोड़ के, थोड़ा सा कच्चा पालक भी डाला इसे, इससे अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए मैंने सबको मिला लूँगी इसमें अच्छे से पहले, तब पानी से इसको लगाऊँगी जी। उसी पानी से मैंने मतलब बॉईल किया था, उसी का पानी है जी। तो इसका क्या अरक अच्छा रहता है, इसको इससे ही लगाती हूँ मैं तो हमेशा पानी से, इसी पानी से। तो ये देखिए मेरा आटा लग गया है दोस्तों, थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखा है मैंने इसको, ताकि पूरी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बने, अच्छे से नरम नरम सी। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसको लगा के रख दूँगी, थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी इसे लगा के, तो थोड़ा ये रेस्ट कर लेगा तो अच्छे से इसका बेसन है ना वो फूल जाएगा इसमें। तो ये देखिए दोस्तों मैं अच्छे से पूली पूली पूड़ियाँ बना लेती हूँ। इधर नीचे रख लिया था मैंने इंडक्शन दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर वो बहुत ही टेस्टी बनी थी गाइस पूड़ी। और इधर देखिए इनको मैं बना लूँगी जल्दी से, यहाँ पर सारी पूड़ियों को सेक लूँगी दोस्तों इधर। तो मुझे बच्चे के लिए लंच भी भेजना था, इसीलिए जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बना लूँगी, वरना ज़्यादा लेट हो जाएगा उसका लंच। वैसे तो लंच वो टाइम हो जाता है जब होता है उसका, 10:30-11 बजे के टाइम पर, लेकिन क्या पहले ही दे आएगी बेटी, ताकि वो ऊपर 4 मंजिल पर पड़ता है तो नीचे से वो लेके जाएगा ऊपर। उसका स्कूल है ना बहुत ही मतलब ऊँचे पर रहते बच्चे पढ़ते हैं, छोटी क्लास वाले नीचे रहते हैं उससे, फिर और थोड़ा और बड़ी क्लास वाले और ऊँचे पर, जैसे मतलब 5-6-7 मंजिल है उसका स्कूल, तो ऐसे बच्चे ऊँचाई पे बहुत ऊँचे से उतर के आना पड़ता है उसे, लंच वगैरह नहीं ले जाता, इसीलिए मैं सुबह साथ उसके साथ के ही रख देती हूँ लंच, ताकि उसे बार बार ऊपर से ना आना पड़े नीचे, बहुत परेशान जीना चढ़ते चढ़ते बच्चे परेशान हो जाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए मैं पकौड़ियाँ बना लूँगी, इधर थोड़ा सा घोल रखा हुआ था, मैंने बोला ना आपसे मेरी दीदी आई थी ननद, तो उसकी बच गया था ये थोड़ा सा, मैंने कहा सुबह गर्म बना लूँगी। तो ये देखिए मेरी भजिया बन गई है दोस्तों, इधर भजिया भी बोलते हैं इनसे पकौड़ियों से, वो पकौड़ी भी बोल देते हैं दोस्तों। इधर मेरी सारी पूड़ियाँ काट लूँगी मैं, तो बस ये पूड़ियाँ ही बनाई थी मैंने, रोटी वगैरह कुछ नहीं बनाया था, पूड़ियाँ पकौड़ी बस सब्जी रखी थी शाम की पनीर की, तो बस वही हो जाएगी। क्या कौन खाता है ज़्यादा, ज़्यादा बच्चे खाते नहीं उतना ही खाते। अभी जी मैं बोल रही थी बेटी से मेरी लंच दे आना आप जल्दी से, और क्या है कर फिर वो ताकि आके अपने काम पढ़ाई लिखाई में लग जाएगी फिर। तो ये देखिए मेरी सारी पूड़ियाँ निकाल लूँगी दोस्तों इधर, ये देखिए आप लोग भी खा लीजिएगा इस गरम गरम भजिया और गरम गरम पूड़ी पालक की दोस्तों, किस किस को पसंद मुझे ज़रूर कमेंट कर दी थी कि मेरी सारी पूड़ियाँ सीख गई थी। उसके बाद जल्दी जल्दी पड़ता है काम कब निपटे दोस्तों, तो मैं सारे काम निपटा के खाना वगैरह खाती हूँ कि नहा धो के, क्या है ना फिर बहुत देर हो जाती है। और ये देखिए मैं सारे काम निपटा लूँ जल्दी जल्दी से, और दोस्तों वे सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी इधर, बस ये बर्तन थे। उसके बाद आज मुझे ऊपर नहीं जाना पड़ा क्योंकि मैंने नीचे काम खाना बना लिया था, तो मैं ऊपर नहीं गई थी। तो दोस्तों इधर मेरे सारे बर्तन साफ़ हो गए, बस थोड़े से ही रह गए हैं, बस इनको साफ़ करने के बाद में मैं और भी काम कर लूँगी। क्या आज मैंने नीचे जल्दी से मतलब खाना बन गया तो मेरा जल्दी से निपट गई काम से दोस्तों। ये रह गया मेरा पोछा, तो मैं पोछे को भी लगा लूँगी इधर। गाइस मैं आ गई हूँ इधर वाले रूम में, देखिए इधर तो इसमें पोछा लगा लूँगी दोस्तों। क्या है ना इधर ऐसे पोछा लगाना मुझे पसंद है, क्या है कि उससे लगाते डंडे वाले से मुझे पसंद नहीं आता, उससे गीला गीला सा लगता है मुझे। क्या है ना अपन अच्छे से सूखा एकदम निचोड़ निचोड़ के अच्छे से पोछा फिर जाता है एकदम सूखा, बहुत जल्दी सूख भी जाता है। देखिए इसमें पानी में निचोड़ लीजिए और साफ बार बार धोने से पोछा भी साफ हो जाता है, और बस हो जाता है पोछा लग जाता है। इधर वाले कमरे में भी लगा लिया मैंने पोछा, किचन में दोनों रूमों में और जो चौक में बस वहाँ तक। तो उसके बाद बारी आई गेहूं की, ऊपर मैंने गेहूं वगैरह सुखाने के लिए डाल ली थी आज, क्योंकि मुझे गेहूं साफ़ करने थे, आटा बस थोड़ा सा ही रह गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक आध दिन पहले ही कर लूँ, फिर इन टाइम के लिए बैठूँ, फिर लाइट वगैरह भी चली जाए तो परेशान है कि चीज़ नहीं हो घर में, तो वो बात अलग रहती है।
और जब गेहूँ हैं तो फिर क्यों ना एक दो दिन पहले ही कर लिया जाए, तो इसलिए मैं पहले ही कर लेती हूँ दोस्तों। तो आज मैंने मतलब गेहूँ भी साफ किए, ऊपर डाले थे, फिर उनको पीसना भी किया। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा सारा किचन क्लीन हो गया इधर, और पूरा रूम और क्या कहते हैं दोनों रूम एकदम क्लीन रहे थे। चार दिन हो गए उसके बाद आज गई हूँ। तो मैंने सोचा चलिए, टाइम तो कभी मिलता नहीं, निकालना पड़ता है काम के लिए टाइम दोस्तों। तो आज मैं मम्मी के यहाँ गई थी, तो अभी बाल आई हूँ 4:30 बजे दोस्तों। और जल्द आज मुझे पूरा दिन काम में ही हो गया, क्योंकि आज मैंने नीचे से ऊपर गेहूँ चढ़ाए थे धूप में डालने के लिए, तो उनको धूप लगाई थोड़ी, और फिर उनका मैंने साफ किया है, पीसने मतलब पिसवाने के लिए साफ किए हैं, वो पीसना किया था उसका। हमारे यहाँ तो दोस्तों पीसना कहते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, आप लोग ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग क्या कहते हो। तो दोस्तों मैं फिर उधर से आ गई थी, तब जाके अब हाँ जाके मैं काम डले मेरे बहुत सारे, वो भी करने हैं मुझे, थोड़े से बर्तन है, कपड़े लाना है ऊपर से ये सब। फिर आप वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप कहोगे दीदी बहुत बड़ा वीडियो कर देते हो। तो देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और क्या कहते हैं, मेरे जो भी नए भैया दीदी हैं जो मुझसे अब सभी अभी जुड़े हैं, वो क्या कहते अपने फ्रेंड्सों को, अपने दोस्तों यारों को, सभी को मेरा वीडियो शेयर करना दोस्तों। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करूँगी, कल फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।